हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मंचौर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। वैसे आप लोग करते नहीं है, फिर भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर लाइक ना करने की वजह कोई त्रुटि है तो वो भी मुझे लिख करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि जितना बेहतर सुधार हो सकता है वो किया जाएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से द बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये आपका प्यार है जो मुझे बार बार आप तक लाता है, और मैं ये करता रहूंगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन में लाया गया पहला वर्ड। पहला वर्ड जो है वो है सेटबैक। सेटबैक एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, और सेटबैक का मतलब है अ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स यू प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक। मतलब है कोई ऐसी डिफिकल्टी या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप जितना प्रोग्रेस चाहते हैं उसको करने से रोके। मतलब है कि प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स यू प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक। यहां पर जो मीनिंग दिया गया है, धक्का और आघात, ठीक है, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई धक्का जो आप जितना चाहते हैं प्रोग्रेस उससे वो रोके, उसको हम कहते हैं सेटबैक। सिनोनिम की बात करें, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, हिच एंड ऑब्स्टेकल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या है? प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, हिच एंड ऑब्स्टेकल। एंटोनिम की बात करें तो प्रोग्रेस, गेन एंड ब्रेक थ्रू। क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस, गेन एंड ब्रेक थ्रू इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, सी सफर्ड अ मेजर सेटबैक व्हेन सी मिस्ड द एग्जाम्स थ्रू इलनेस। सी सफर्ड अ मेजर सेटबैक व्हेन सी मिस्ड द एग्जाम्स थ्रू इलनेस। यहां पर जो पहला वर्ड आया इसका मतलब है सेटबैक। सेटबैक का मतलब है आघात और धक्के से। ये वैसा आघात या धक्का है, प्रॉब्लम है, रुकावट है, जो आपकी मनचाही प्रोग्रेस को रोकती है, उसके लिए हम कहते हैं सेटबैक। अगला जो शब्द है वो है एम्बुश। एम्बुस नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। एम्बुस का मतलब है अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन। क्या है? अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, मतलब है घात लगा करके आक्रमण करना, ताक या घात, इस अर्थ में हम एम्बुस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हाइड, लर्क, प्रॉल एंड वेले, ठीक है, हाइड, लर्क, प्रॉल एंड वेले, इस अर्थ में हम सिनोनिम ले सकते हैं एम्बुस का। एंटोनिम यहां मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं। एग्जाम्पल देखें, फाइव सोल्जर्स डाइड आफ्टर देयर बस वॉज एम्बुस्ड ऑन अ कंट्री रोड। पांच सोल्जर जो है मारे गए जब उनके बस को एम्बुश किया गया, कहां? कंट्री रोड पर। फाइव सोल्जर्स डाइड आफ्टर देयर बस वॉज एम्बुश्ड ऑन अ कंट्री रोड। तो पहला जो शब्द आया वो है सेटबैक। सेटबैक का मतलब है ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम जो आपकी मनचाही और जितनी तेज प्रोग्रेस चाहते हैं उसमें वो रुकावट बने, मतलब है आघात और धक्के से। और एम्बुश का मतलब होता है घात लगा करके आक्रमण करना, अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम अ हिडन पोजीशन। चलिए अगले पेज पर बढ़े। अगला जो शब्द है वो है फॉर्म अप। फॉर्म अप एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर सर्टेन और लेस लाइकली टू चेंज। मतलब है किसी चीज को और सर्टेन करना ताकि उसमें कोई परिवर्तन ना हो, मतलब है अंतिम रूप देने से और बनाने से। तो फॉर्म अप का सेंस है अंतिम रूप देना और बनाना। सिनोनिम की बात करें तो फोर्टिफाई, सेटल, स्टेबलाइज एंड फिक्स। क्या हो जाएगा? फोर्टिफाई, सेटल, स्टेबलाइज एंड फिक्स। अगर हम किसी चीज को फिक्स कर रहे हैं बदलना मुश्किल, स्टेबलाइज कर रहे हैं बदलना मुश्किल, फोर्टिफाई कर रहे हैं बदलना मुश्किल, तो फोर्टिफाई, सेटल, स्टेबलाइज एंड फिक्स एक तौर पर सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर्म अप के। एंटोनिम की बात करें तो सबवर्ट, डीस्टेबलाइज एंड सबोटेज। क्या हो जाएगा? सबवर्ट, डीस्टेबलाइज एंड सबोटेज इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द कंपनी हैज नॉट येट फॉर्मड अप इट्स प्लान्स फॉर एक्सपेंशन। द कंपनी हैज नॉट येट फॉर्मड अप इट्स प्लान्स फॉर एक्सपेंसिव। चलिए इस पेज पर जो अगला शब्द है वो है बेस्टियन। बेस्टियन एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ और बिलीफ व्हिच इज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। ये इस सेंस को मैंने यहां पर लिया है, किसी चीज का समर्थन करना जो कि खतरे में हो, डेंजर में हो। और ये कह रहा है पार्ट ऑफ अ वॉल ऑफ अ कैसल दैट स्टिक आउट फॉर्म इट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट। मतलब है वो किले का कोई वॉल जो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ बना हुआ हो, अ पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ कैसल दैट स्टिक्स आउट From it in order to protect it, है ना? मतलब है समर्थक से, दुर्ग से, गढ़ से या छावनी से। सिनोनिम की बात करें तो डिफेंडर, सपोर्टर एंड गार्ड। क्या हो जाएगा? डिफेंडर, सपोर्टर एंड गार्ड। एंटोनिम की बात करें तो हार्म, हर्ट, फो एंड अपोनेंट। क्या हो जाएगा? हार्म, हर्ट, फो एंड अपोनेंट। चले फटाफट हम यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस एंड मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स आर द बेस्टियन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट क्राइम एंड डिसऑर्डर।
बिल्कुल सही बात है. द पुलिस एंड मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स आर द बेस्ट इन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट क्राइम एंड डिसऑर्डर. इस फेज पर जो पहला शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर सर्टेन और लेस लाइकली टू चेंज, यानी फॉर्म अप का मतलब क्या होता है, अंतिम रूप देना और बनाने से. दूसरा है बेस्टियन का मतलब होता है समर्थक, विशेष रूप से उसका जो कोई मान्यता है, वे ऑफ लाइफ है, जो कि डेंजर में है. किस चीज के भाई, डिसअपियरिंग के. तो समर्थक बेस्टियन. चले अगले पेज पर बढ़ते हैं. अगला जो शब्द है वो है फटीग. फटीग एक नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग किया जा सकता है. एक्सट्रीम टायर्डनेस को कहते हैं फटीग, थकान या थकाने के अर्थ में नाउन भी है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है. अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो वियर आउट, एग्जॉस्ट, टायर, वियरी एंड जेड. क्या हो जाएगा, वियर आउट, एग्जॉस्ट, टायर, वियरी एंड जेड. एंटोनिम की बात करें तो एक्टिवेट, एनर्जाइज, इनवाइगरेट एंड रिफ्रेश. क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, एनर्जाइज, इनवाइगरेट एंड रिफ्रेश, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. फटीग का मतलब होता है थकान और थकाने से. सेंटेंस देखते हैं. द डॉक्टर सेड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फटीग एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. क्या है, सेड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फटीग एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. तो पहला शब्द जो है फटीग, फटीग का मतलब होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, मतलब है थकान या थकाने से. ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है. अगला है फ्यूटिलिटी. फ्यूटिलिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है द फैक्ट ऑफ हैविंग नो इफेक्ट और ऑफ अचीविंग नथिंग. मतलब है निरर्थकता से है, असारता से है, मतलब कुछ भी नहीं. द फैक्ट ऑफ हैविंग नो इफेक्ट ऑफ अचीविंग नथिंग. अब यहां देखिए सिनोनिम क्या है, तो वैनिटी, इनैनिटी एंड पॉइंटलेसनेस. क्या हो जाएगा, वैनिटी, इनैनिटी एंड पॉइंटलेसनेस, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. एंटोनिम की बात करें तो यूजफुलनेस एंड फ्रूटफुलनेस. क्या हो जाएगा, यूजफुलनेस एंड फ्रूटफुलनेस, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस पेज पर चले पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं. People have got tired of the futility of war. है ना, people have got tired of the futility of war. मतलब है युद्ध की निरर्थकता से जो है ना वो थक चुके हैं. यहां कह रहा है fatigue पहला वर्ड है स्पेस पर, extreme tiredness, थकान और थकाने से. अगला जो शब्द है वो है futility, the fact of having no effect or of achieving nothing. मतलब है निरर्थकता से, असारता से. चले अगले पेज पर बढ़ते हैं. अगला जो शब्द है वो है recoup. रिकूप एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू गेट बैक द सम ऑफ मनी यू हैव स्पेंड और लॉस्ट. मतलब है क्षतिपूर्ति करना, निकाल देना या दोबारा पाना. है ना, क्या है, द गेट बैक, टू गेट बैक द सम ऑफ मनी यू हैव स्पेंड और लॉस्ट. मतलब है सिनोनिम की बात करें कंपनसेट, रीइंबर्स एंड इंडेमनिफाई. क्या हो जाएगा, कंपनसेट, रीइंबर्स एंड इंडेमनिफाई. एंटोनिम की बात करें तो डिप्राइव, फॉरफिट, लूज, टेक एंड डिप्राइव. यहां डिप्राइव दो बार लिखा गया है, हटा लीजिएगा. deprive, forfeit, lose and take, इसका इस्तेमाल करेंगे एंटोनिम के तौर पर. recoup का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, निकाल देना या दोबारा पाना. synonym मैंने कहा compensate, reimburse and indemnify. sentence देख लेते हैं. The gambler recouped his losses in the next game. क्या है, The gambler recouped his losses in the next game. अगला जो शब्द है वो है parity. parity noun की तरह इस्तेमाल होता है और इसका जो मीनिंग है वो है इक्वालिटी स्पेशली ऑफ पे ऑफ पोजीशन. है ना, इक्वालिटी स्पेशली पे ऑफ पोजीशन, मतलब है बराबरी से, समानता से, समतुल्यता से. क्या है, बराबरी से. डिस्पैरिटी आपने पढ़ा होगा विषमता के अर्थ में, मैंने बताया है. तो पैरिटी का मतलब है बराबरी, समानता और समतुल्यता से. सिनोनिम की बात करें इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, एनालॉगी. क्या है, इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड एनालॉगी. क्या हो जाएगा, इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड एनालॉगी. एंटोनिम की बात करें इनइक्वालिटी, डिफरेंस एंड डिसिमिलैरिटी. क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी, डिफरेंस एंड डिसिमिलैरिटी, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे. अब यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं. फायर फाइटर्स आर डिमांडिंग पे पैरिटी विद पुलिस. क्या हो जाएगा, फायर फाइटर्स आर डिमांडिंग पे पैरिटी विद पुलिस. पैरिटी का मतलब है बराबरी और समानता से. तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है रिकूप. रिकूप का मतलब होता है टू गेट बैक द सम ऑफ मनी यू हैव स्पेंड और लॉस्ट. मतलब है कि क्षतिपूर्ति करना, निकाल देना, दोबारा पाना. और दूसरा जो शब्द है वो है पैरिटी. पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी स्पेशली ऑफ पे ऑफ पोजीशन. है ना, फायर फाइटर्स आर डिमांडिंग पे पैरिटी विद पुलिस. चलिए अगला शब्द लेते हैं. अगला जो शब्द है वो है मूट. मूट वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है. नॉट वर्थ कंसिडरिंग एज इट इज नॉट लाइकली टू हैपन, टू सजेस्ट एन आइडिया दैट इज टू बी कंसिडर्ड और discussed by people. To suggest an idea
That is to be considered or discussed by people. और कह रहा है not worth considering as it not likely to happen. मतलब है विवादास्पद भी एक सेंस है इसका और प्रस्तुत करना भी इसका एक सेंस है. दो अर्थ है यहां पर, विवादास्पद भी और प्रस्तुत करना. मैंने इसको चुना है यहां पर. ठीक है, synonym कहेंगे questionable, debatable and disputable. क्या हो जाएगा? questionable, debatable and disputable इसके synonym के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. antonym की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? certain, indisputable, definite and sure. क्या हो जाएगा? certain, indisputable, definite and sure. अब यहां पर एग्जाम्पल देख ले. इट इज अ मूट पॉइंट वेदर बिल्डिंग मोर रोड्स रिड्यूसेस ट्रैफिक कंजेशन. क्या है? इट इज अ मूट पॉइंट वेदर बिल्डिंग मोर रोड्स रिड्यूसेस ट्रैफिक कंजेशन. अब देखिए ये अ मूट पॉइंट यहां पर जो आ गया ना, ये एक idiom की तरह इस्तेमाल होता है ना. वेदर बिल्डिंग मोर रोड्स रिड्यूसेस ट्रैफिक कंजेशन. तो यहां मूट का मतलब है विवादास्पद से और प्रस्तुत करने से. synonym मैंने कहा questionable, debatable, disputable और antonym की बात करें तो certain, indisputable, definite and sure. चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं. नहीं, एक वर्ड और है, assault. assault जो है वो noun और verb दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है. assault का मतलब होता है sudden attack on somebody or something. क्या है? sudden attack on somebody or something मतलब है हमला करना, प्रयास, तीखी आलोचना करने से हम assault का इस्तेमाल करते हैं इस अर्थ में. synonym क्या है? attack, onslaught and strike. क्या हो जाएगा? attack, onslaught and strike. antonym की बात करें protect, defend and secure. क्या हो जाएगा? protect, defend and secure. assault noun और verb की तरह इस्तेमाल होता है और sudden attack on somebody or something. synonym की बात करें attack, onslaught and strike. antonym की बात करें तो protect, defend and secure. example देख लेते हैं. he was charged with assaulting a police officer. he was charged with assaulting a police officer. इस पेज पर जो दो वर्ड आए, पहला आया moot. moot का मतलब है not with considering as it not likely to happen. मतलब है विवादास्पद से. और assault का मतलब है a sudden attack on someone or something. मतलब है हमला करना. यहां पर assault का जो meaning है ऐसे प्रयास और तीखी आलोचना करना भी असॉल्ट के मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इस अर्थ में भी असॉल्ट यूज होता है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है. चलिए अगले पेज पर आते हैं. रिड्रेस. रिड्रेस नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर और पेमेंट एटसेट्रा. है ना, दैट यू शुड गेट फॉर समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड टू यू और हार्म दैट यू हैव सफर्ड. मतलब यहां पर है सुधारना से अन्याय का प्रतिकार करना, क्षतिपूर्ति और हर्जाना. इस अर्थ में हम रिड्रेस का इस्तेमाल करते हैं टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर. है ना, या फिर दूसरा मीनिंग है पेमेंट एटसेट्रा दैट यू शुड गेट फॉर समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड टू यू और हार्म दैट यू हैव सफर्ड. मतलब है अन्याय के प्रतिकार से और क्षतिपूर्ति और हर्जाना जो है वो पेमेंट के लिए यहां पर है. तो टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर वहां पर है सुधारने के सेंस में. synonym की बात करें तो rectify, correct, amend and fix. मैंने इस अर्थ को यहां पर रखा है तो ध्यान दीजिएगा. मैं बार बार कहता हूं कि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं और उस मीनिंग में जो होता है हम किसी एक पर्टिकुलर का synonym और antonym रखते हैं क्योंकि सबको रखना बहुत मुश्किल है. जो संदर्भ के हिसाब से फिट बैठता है उसको हम रख देते हैं. तो बाकी शब्द का आप भी ढूंढ सकते हैं खुद से, आपके पास तो चलती फिरती डिक्शनरी है भाई. synonym का मतलब होता है rectify. यहां जो synonym रख रहे हैं इसके लिए वो है rectify, correct, amend and fix. और antonym की बात करें तो यहां जो antonym रखा गया है वो है destroy, harm, hurt and injure. क्या हो जाएगा? destroy, harm, hurt and injure. चलिए example देख लेते हैं. they tried to redress the economic imbalance between developed and developing countries. they tried to redress the economic imbalance between developed and developing countries. चलिए अगला वर्ड ले, वो है bear out. और फिर से ये एक phrasal verb है. bear out एक phrasal verb है. इसका मतलब होता है to support the truth of something or support someone's statement or claim. है ना, मतलब है समर्थन करने से. synonym के prove, verify, validate and attest. है ना, किसी के सच को support the truth of something or to support someone's statement or claim. मतलब है किसी के सच को सपोर्ट करना या किसी के स्टेटमेंट और क्लेम का समर्थन करना. तो यहां जो मीनिंग आया समर्थन करने से, बेयर आउट का मतलब होता है समर्थन करना यानी प्रूफ, वेरीफाई, वैलिडेट एंड अटेस्ट. एंटोनिम की बात करें रिफ्यूट, कंट्राडिक्ट, डिनाई एंड रिबट. क्या हो जाएगा? रिफ्यूट, कंट्राडिक्ट, डिनाई एंड रिबट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा. सिनोनिम मैंने क्या कहा? प्रूफ, वेरीफाई, वैलिडेट एंड अटेस्ट. एंटोनिम कहें रिफ्यूट, कंट्राडिक्ट, डिनाई एंड रिबट. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. द एविडेंस सो फार सिंपली डज नॉट बियर हिम आउट. क्या कह रहा है? द एविडेंस सो फार सिंपली डज नॉट बियर हिम आउट. तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है रिड्रेस. रिड्रेस का मतलब होता है सुधारना, टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर.
टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर, इस सेंस में हम रिड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। बेयर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग और टू सपोर्ट समवन स्टेटमेंट और क्लेम, मतलब है समर्थन करने के अर्थ में हम बेयर आउट का इस्तेमाल करते हैं। बेयर आउट एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए अगला सब लेते हैं, वो है मीट आउट। मीट आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है। मीट आउट का मतलब होता है टू गिव और ऑर्डर और पनिशमेंट और मेक समवन रिसीव क्रूएल और अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब है देना या भुगतवाना। क्या है? टू गिव ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के अर्थ में पनिशमेंट देना या भुगतवाने के सेंस, जो किया है उसको भुगतो, इस सेंस में भुगतवाना। सिनोनिम कहेंगे इन्फ्लिक्ट, पनिश, रीक एंड पेनलाइज। क्या हो जाएगा? इन्फ्लिक्ट, पनिश, रीक एंड पेनलाइज। एंटोनिम की बात करें तो पार्डन, एक्सोनरेट और स्पेयर। यहां पर पार्डन दोबारा आ गया, पार्डन, एक्सोनरेट एंड स्पेयर। तो यहां पर जो सिनोनिम मैंने कहा इन्फ्लिक्ट, पनिश, रीक एंड पेनलाइज, क्या हो जाएगा? इन्फ्लिक्ट, पनिश, रीक एंड पेनलाइज। और एंटोनिम कहें तो पार्डन, एक्सोनरेट एंड स्पेयर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इन द पास्ट स्कूल टीचर्स रेगुलरली मीटेड आउट फिजिकल पनिशमेंट टू देयर पुपिल्स, है ना? क्या है? स्कूल टीचर, ये अलग होना चाहिए, स्पेस छूट गया है। इन द पास्ट स्कूल टीचर्स रेगुलरली मीटेड आउट फिजिकल पनिशमेंट टू देयर पुपिल्स, मतलब है वो फिजिकल पनिशमेंट करते थे, भुगतवाते थे, देते थे। तो यहां जो मीट आउट का मतलब है टू गिव और ऑर्डर अ पनिशमेंट और मेक समवन रिसीव क्रूएल और अनफेयर ट्रीटमेंट। सिनोनिम मैंने क्या कहा? इन्फ्लिक्ट, पनिशमेंट, वीक एंड पेनलाइज। एंटोनिम मैंने कहा पार्डन, एक्सोनरेट एंड स्पेयर। चलिए अगले शब्द पर बढ़ते हैं, मॉडिकम। मॉडिकम नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है वेरी स्मॉल अमाउंट स्पेशली ऑफ समथिंग गुड एंड प्लेजेंट, मतलब है टुकड़ा, थोड़ी सी मात्रा, लेकिन कैसा? गुड और प्लेजेंट। क्या है? अ वेरी स्मॉल अमाउंट स्पेशली ऑफ समथिंग गुड एंड प्लेजेंट। सरन की बात करें फ्रेगमेंट, एओटा, पार्टिकल एंड बिट, क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंट, एओटा, पार्टिकल एंड बिट। यहां पर इसको लोटा मत पढ़ देना, ये आई का कैपिटल है, ठीक है? फ्रेगमेंट, एओटा, पार्टिकल एंड बिट। एंटोनिम की बात करें पाइल, हिप, प्रोफ्यूजन एंड लॉट, क्या हो जाएगा? पाइल, हिप, प्रोफ्यूजन एंड लॉट, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज not a modicum of truth in her statement. क्या कह रहा है? There is not a modicum of truth in her statement. मतलब उसके statement में ना सच का कोई टुकड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा भी particle भी नहीं है, fragment भी नहीं है, iota भी नहीं है, particle भी नहीं है। तो इसके synonym के तौर पर क्या कहा? Fragment, iota, particle and bit. Antonym की बात करें तो pile, hip, profusion and lot. चलिए इस पेज पर जो दो वर्ड आए, पहला है एक phrasal verb. Meet out का मतलब होता है देना या भुगतवाना. To give or order a punishment, है ना? To give or order a punishment. दूसरा मॉडिकम का मतलब है अ वेरी स्मॉल अमाउंट स्पेशली ऑफ समथिंग गुड और प्लेजेंट, मतलब होता है टुकड़ा या थोड़ी सी मात्रा, मॉडिकम। चलिए अगले पेज पर आए, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब यहां नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग और समथिंग दैट यू हैव ऑब्टेन्ड और बॉट, मतलब होता है अर्जन करना, संकलन और प्राप्ति से। आपने ये कई बार सुना होगा लैंड एक्विजिशन, है ना? अधिग्रहण भी कहते हैं, अर्जन भी कहते हैं, संकलन भी कहते हैं। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग और समथिंग दैट यू हैव ऑब्टेन्ड और बॉट, मतलब होता है एक्विजिशन। सिनोनिम की बात करें तो प्रोक्योरमेंट, गेन एंड परचेज, क्या हो जाएगा? प्रोक्योरमेंट, गेन एंड परचेज। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा सिर्फ एक लॉस, इसलिए मैंने डाला, बस इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहां पर बेचना उस संदर्भ में यहां आया नहीं, तो इसलिए मैंने एक्विजिशन को उस अर्थ में इस्तेमाल करते नहीं है, तो मुझे लगा लॉस चल सकता है यहां पर प्राप्ति के अर्थ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, This sculpture is the museum's latest acquisition. क्या है? This sculpture is the museum's latest acquisition. तो acquisition का मतलब होता है अर्जन, संकलन और प्राप्ति. The act of obtaining or buying something or something that you have obtained or bought. चले, अगला जो word है वो है diaspora. Diaspora noun की तरह प्रयोग होता है और diaspora का मतलब है the movement of people away from their own country, मतलब है प्रवासी लोगों का अपने देश से अन्यत्र पलायन, इसको कहते हैं diaspora. Synonym कहें तो migration, immigration, exodus and exit, क्या हो जाएगा? Migration, immigration, exodus and exit. Antonym कहें तो advent, coming, arrival and entrance, क्या हो जाएगा? Advent, coming, arrival and entrance. देखिए ये एक अर्थ में कहीं ना कहीं synonym होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कहीं ना कहीं antonym होता है. आप जब सीधा सीधा मीनिंग मिलाएंगे तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि अरे इसका एंटोनिम कैसे है, लेकिन नहीं, ये जांच परख करके मैं रखता हूं, मुझे बहुत मशक्कत होती है इसको चुनने में और जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है उसी के आधार पर मैं रखता हूं, तो यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. डायस्पोरा का सिनोनिम कहेंगे तो माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एक्सोडस एंड एग्जिट. एंटोनिम कहेंगे तो एडवेंट, कमिंग, अराइवल एंड एंट्रेंस. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, नियरली 2/5 ऑफ स्पेन्स फॉरेन रेसिडेंट्स कम फ्रॉम द लैटिन डायस्पोरा, मोस्टली फ्रॉम इक्वाडोर एंड कोलंबिया. क्या कह रहा है? नियरली 2/5 ऑफ स्पेन्स फॉरन रेसिडेंट्स कम फ्रॉम द लैटिन डायस्पोरा, मोस्टली फ्रॉम
इक्वाडोर एंड कोलंबिया। तो इस पेज पर जो दो वर्ड आए, पहला एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग, मतलब है अर्जन, संकलन और प्राप्ति से। जो अगला शब्द आया वो है डायस्पोरा, द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री, मतलब है प्रवासी, लोगों का अपने देश से अन्यत्र पलायन, उसको कहते हैं डायस्पोरा। चलिए अगला वर्ड मल्टीफेसेटेड है ना, मल्टीफेसेटेड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और हैविंग मेनी स्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड, मतलब होता है बहुमुखी, है ना, क्या है, हैविंग मेनी स्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड। इसमें कहेंगे सरनेम ऑलराउंड वेरिड वेरियस एंड मेनी साइडेड, क्या हो जाएगा, ऑलराउंड वेरिड वेरियस एंड मेनी साइडेड। एंटोनिम कहेंगे सेम सिमिलर होमोजेनस एंड अलाइक, क्या है, सेम सिमिलर होमोजेनस एंड अलाइक, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है बहुमुखी, है ना। अब यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, इट इज मल्टीफेसेटेड बिजनेस ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सर्विसेज, क्या है, मल्टीफेसेटेड बिजनेस है जो रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है। मल्टीफेसेटेड का मतलब है हैविंग मेनी एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर, मतलब है बहुमुखी। सरनेम मैंने कहा ऑलराउंड वेरिड वेरियस मेनी साइडेड, एंटोनिम मैंने कहा सेम सिमिलर होमोजेनस एंड अलाइक। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्सर्ट, एक्सर्ट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और टू मेक यूज ऑफ समथिंग, टू अफेक्ट समबडी और समथिंग, और टू मेक अ बिग एफर्ट, मतलब है जोर लगाना या काम में लाना, एक्सर्ट का ये मतलब है जोर लगाना या काम में लाना। टू मेक यूज ऑफ समथिंग, टू अफेक्ट समबडी और समथिंग, और टू मेक अ बिग एफर्ट। सिनोनिम देख लेते हैं स्ट्राइव एंडेवर यूटिलाइज एंड एम्प्लॉय, क्या है, स्ट्राइव एंडेवर यूटिलाइज एंड एम्प्लॉय। एंटोनिम देख ले इग्नोर सन इज नेग्लेक्ट एंड ओमिट, क्या हो जाएगा, इग्नोर सन इज नेग्लेक्ट एंड ओमिट, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखते हैं यू वोंट मेक एनी प्रोग्रेस इफ यू डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ अ बिट मोर, यू वोंट मेक एनी प्रोग्रेस इफ यू डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ अ बिट मोर, मतलब है अपना और जोर नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। यू वोंट मेक एनी प्रोग्रेस, कोई सब प्रोग्रेस नहीं होगी इफ यू डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ अ बिट मोर। एक्सर्ट का मतलब होता है टू मेक यूज ऑफ समथिंग, टू अफेक्ट समबडी और समथिंग, या फिर टू मेक अ बिग एफर्ट, मतलब है जोर लगाना या काम में लाना। इस फेज पर जो पहला वर्ड आया मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है हैविंग मेनी एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड, यानी बहुमुखी से, और एक्सर्ट का मतलब होता है टू मेक यूज ऑफ समथिंग, टू अफेक्ट समबडी और समथिंग, और टू मेक अ बिग एफर्ट, मतलब होता है जोर लगाना या काम में लाने से। चले अगले पेज पर बढ़े और अगला जो शब्द है वो है निच, निच एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, अ जॉब पोजिशन एटसेट्रा दैट इज सुटेबल फॉर यू, पहला मीनिंग है अ जॉब पोजिशन एटसेट्रा दैट इज सुटेबल फॉर यू, और एन अपॉर्चुनिटी टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, इसको भी कहते हैं निच। अब यहां पर है मौका और स्थान से, ये मीनिंग मैंने लिया है अ जॉब पोजिशन एटसेट्रा दैट इज सुटेबल फॉर यू। इस सेंस में सिनोनिम देखें तो प्लेस पोजिशन रोल एंड स्लॉट, क्या हो जाएगा, प्लेस पोजिशन रोल एंड स्लॉट, और यहां मुझे एंटोनिम समझ में नहीं आया तो मैंने डाला नहीं। निच का मतलब होता है मौका या स्थान से, इसके कई सारे मीनिंग है, आप ऐसे सर्च करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें ही इवेंचुअली फाउंड हिज निच इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, क्या है, ही इवेंचुअली फाउंड हिज निच इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। अगला जो वर्ड है वो है जुडिशियस, जुडिशियस एक एडजेक्टिव है, मैंने कई बार बताया है ओ यू एस सफिक्स, यूज अबाउट अ डिसीजन और एन एक्शन, सेंसिबल एंड केयरफुली कंसिडर्ड, शोइंग गुड जजमेंट, क्या है इसका सिनोनिम, बुद्धिमान या विवेकपूर्ण, क्या कह रहा है, यूज अबाउट अ डिसीजन और एक्शन, सेंसिबल एंड केयरफुली कंसिडर्ड और शोइंग गुड जजमेंट, ये डिसीजन और एक्शन के लिए यूज किया जाता है, जुडिशियस बुद्धिमान और विवेकपूर्ण। सिनोनिम कहें वाइज सेंसिबल प्रूडेंट एंड श्रूड, क्या हो जाएगा, वाइज सेंसिबल प्रूडेंट एंड श्रूड। एंटोनिम की बात करें अनवाइज इम्प्रूडेंट रैश एंड हीडलेस, क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट अनवाइज रैश एंड हीडलेस। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, वी शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेस अवेलेबल टू अस, क्या कह रहा है, वी मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेस, वी शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेस अवेलेबल टू अस, है ना, हम लोगों के पास जो रिसोर्सेस है उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, वी शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेस अवेलेबल टू अस। इस पेज पर जो पहला पेज वर्ड आया वो है निच, निच का मतलब होता है अ जॉब पोजीशन एटसेट्रा दैट इज सुटेबल फॉर यू, मतलब है मौका और स्थान से, जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान और विवेकपूर्ण, विशेष करके ये डिसीजन और एक्शन के लिए होता है, सेंसिबल एंड केयरफुली कंसिडर्ड, इस अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है अनवेवरिंग, अनवेवरिंग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है नॉट चेंजिंग और बिकमिंग वीकर, मतलब है मजबूत, अटल और अविचल। क्या मैंने इससे रिलेटेड कोई शब्द पीछे पढ़ाया है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द था जिसका मतलब अटल,
अविचल और मजबूत के अर्थ में था। Unwavering का मतलब होता है not changing or becoming weaker. Synonym की बात करें steady, resolute and staunch. क्या है steady, resolute and staunch? Antonym की बात करें तो wavering, unsteady and irresolute. क्या हो जाएगा? Wavering, unsteady and irresolute इसके antonym के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Example देखें, her belief in the project has been unwavering. क्या है? Her belief in the project has been unwavering. अगला जो शब्द है वो है brainchild. ब्रेन चाइल्ड एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, ठीक है, ब्रेन चाइल्ड एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मीनिंग देख लेते हैं, द आइडिया और इन्वेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्शन, मतलब है किसी व्यक्ति का अपना विचार या आविष्कार, विचार आविष्कार, अपने मत, ओपिनियन। ब्रेन चाइल्ड का मतलब है द आइडिया और इन्वेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है, अपना विचार या आविष्कार जो किसी का व्यक्तिगत है। अब यहां सिनोनिम की बात करें तो आइडिया, कंसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट इसके सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम के हैं रियलिटी, यहां फैक्ट होना चाहिए, फैट नहीं, फैक्ट, ट्रुथ एंड वेरासिटी। क्या हो जाएगा? रियलिटी, फैक्ट, ट्रुथ एंड वेरासिटी इसके एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं, है ना। और सिनोनिम क्या है? आइडिया, कंसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट, द आइडिया ऑफ इन्वेंशन ऑफ अ आइडिया और इन्वेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्शन। ब्रेन चाइल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रोजेक्ट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या है? द प्रोजेक्ट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या है? प्रोजेक्ट क्या था? वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से एक का ब्रेन चाइल्ड था, अपना विचार, अपना आविष्कार था। तो यहां इस पेज पर जो पहला शब्द आया हुआ है अनवेवरिंग, इसका मतलब होता है नॉट चेंजिंग और बिकमिंग वीकर, मतलब मजबूत, अटल और अविचल से है। और अगला है ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है द आइडिया और इन्वेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी अपना विचार और आविष्कार। चले अगले पेज पर बढ़ें और उम्मीद है कि ये आखिरी है। स्लैक, स्लैक एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। स्लैक का मतलब होता है नॉट केयरफुली और प्रॉपरली डन और नॉट डूइंग योर वर्क केयरफुली और प्रॉपरली, मतलब है लापरवाह, सुस्त और ढीला से। स्लैक का मतलब होता है लापरवाह, सुस्त और ढीला। सिनोनिम के हैं लैक्स, रेमिस, रेकलेस एंड स्लिपशॉट। क्या हो जाएगा? लैक्स, रेमिस, रेकलेस एंड स्लिपशॉट। एंटोनिम की बात करें तो मेटिकुलस, diligent and careful। क्या हो जाएगा? meticulous, diligent and careful इसके antonym के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। slack का मतलब होता है not carefully और properly done। क्या हो जाएगा? not carefully और properly done। example देख लेते हैं, slack security made terrorist attacks possible। क्या है? slack security made terrorist attack possible। चलिए session का आखिरी शब्द है pedal। पेडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और पेडल का मतलब होता है टू स्प्रेड एन आइडिया इन ऑर्डर टू गेट पीपल टू एक्सेप्ट इट, मतलब है फैलाना किसी विचार जो कि अमान्य विचार है को फैलाना ताकि जनता उसे स्वीकार करे। टू स्प्रेड एन आइडिया इन ऑर्डर टू गेट पीपल टू एक्सेप्ट इट, पेडल। सिनोनिम क्या है? स्प्रेड, सर्कुलेट एंड प्रोमल्गेट। क्या हो जाएगा? स्प्रेड, सर्कुलेट एंड प्रोमल्गेट। एंटोनिम की बात करें कंसील, हाइड, सप्रेस एंड डिनाय। क्या हो जाएगा? कंसील, हाइड, सप्रेस एंड डिनाय इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस लाइन इज बींग पेडल्ड बाय ऑल द गवर्नमेंट स्पोक्समैन। क्या हो जाएगा? दिस लाइन इज बींग पेडल्ड बाय ऑल द गवर्नमेंट स्पोक्समैन, मतलब है पेडल का फैलाना किसी अमान्य विचार को फैलाना ताकि जनता उसे स्वीकार करे। टू स्प्रेड एन आइडिया इन ऑर्डर टू गेट पीपल टू एक्सेप्ट इट। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला स्लैक, स्लैक का मतलब है नॉट केयरफुली और प्रॉपरली डन, यानी लापरवाह, सुस्त और ढीला से है। पेडल का मतलब है टू स्प्रेड एन आइडिया इन ऑर्डर टू गेट पीपल टू एक्सेप्ट इट, यानी फैलाना किसी अमान्य विचार को फैलाना ताकि जनता उसे स्वीकार करे। उम्मीद तो यह है कि सेशन में जो कुल 24 वर्ड आपके सामने रखे गए सबके सब आपके लिए नए थे और पढ़ करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ यहां पर सीखने के लिए मिला। अगर ये वीडियो पसंद आया भूलिएगा नहीं, लाइक जरूर कीजिएगा और मैं चाहता हूं कि आज आप लाइक की संख्या कोशिश करके 50 तक पहुंचाइए। लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। सबसे जरूरी काम पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज दैट रूल्स के सन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।